डर स्टूडेंट्स uh, आज हमारा इस uh, कोर्स का लास्ट लेक्चर है और uh, इसमें जो प्लान है दैट इज़ समथिंग लाइक दिस के एक uh, ब्रीफ सा ओवरव्यू हम लेंगे कि जो चीज़ें हमने डिस्कस की हैं वो क्या हैं और उसके बाद फिर हम uh, ये डिस्कस करेंगे कि uh, आईआर सिस्टम्स जो हैं वो जा के साइड पे रहे हैं और उनमें फ्यूचर ट्रेंड्स के हैं रिसर्च के एंड से भी कुछ बात करेंगे कि कौन कौन से टॉपिक्स के ऊपर लार्ज लार्जली इस वक्त रिसर्च हो रही है डिफरेंट प्रस्पेक्टिवस में तो जहाँ तक इस बात का ताल्लुक है कि हमने इस कोर्स में क्या कवर किया है तो हमने इस कोर्स में स्टार्ट लिया इंफॉर्मेशन रिट्रीवल मॉडल्स को अंडरस्टैंड किया शुरू में जिसमें हमने ज़्यादा फोकस किया इनिशियली बुलियन रिट्रीवल मॉडल पे और फिर उसके बाद हम वेक्टर स्पेस रिट्रीवल मॉडल पे आ गए और टूवर्ड्स एंड ऑफ द कोर्स हमने कुछ प्रॉब्लिस्टिक रिट्रीवल मॉडल्स के हवाले से बात की तो तीनों मॉडल्स को हमने इन अ वे गो थ्रू किया है इस पर्टिकुलर कोर्स के अंदर uh, इसी के साथ साथ हमने इम्प्लीमेंटेशन के ऊपर सिग्निफिकेंटली फ़ोकस किया कि इस एक अच्छे आईआर सिस्टम की इम्प्लीमेंटेशन किस तरह से होनी चाहिए तो टू स्टार्ट विद हमने uh, एक नाइव सिंपल इम्प्लीमेंटेशन की बात की कि आ, वो किस तरह से की जा सकती है और फिर उसके बाद हम रिलेटिवली ऑप्टिमल इम्प्लीमेंटेशन की तरफ़ गए जिसमें हमारा फोकस जो था वो इन्वर्टेड इंडेक्स को किस तरह से बेहतर तरीके से बनाया जा सकता है उस पर भी था और इसी के साथ साथ को प्रोसेसिंग आ, को किस तरह से एफिशिएंट बनाया जा सकता है जो कि अगेन इम्पैक्ट उसका टाइम एंड अगेन इन्वर्टेड इंडेक्स की क्रिएशन और उसके डेवलपमेंट के साथ बड़ा टाइटली बाउंडेड है ये चीज़ तो उन दोनों को हमने मुख्तफ पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस किया और फिर हमने डिफरेंट कुरी मॉडल्स या कुरी टाइप्स जो हैं अ मैटर ऑफ फैक्ट उनको डिस्कस किया कि बहुत सारी डिफरेंट कुरी टाइप्स को किस तरह से हम हैंडल कर सकते हैं जिसमें फॉर इंस्टेंस जो हमारी कीवर्ड बेस्ड क्वेरीज़ हैं वो सबसे सिंपल क्वेरीज थी उसके बाद वाइल्ड कार्ड करेक्टर पोजिशनल क्वेरीज फ्रेजल क्वेरीज इन सारी क्वेरीज़ को हमने हैंडल किया और इस इन्हीं को हैंडल करने के लिए इन्वर्टेड इंडेक्स को किस तरह से मॉडिफाई करना चाहिए ताकि वो कैपेबल हो जाए डिफरेंट uh, तरह की क्वेरीज़ को हैंडल करने के पॉइंट ऑफ व्यू से इसके ऊपर हमने डिस्कशन की तो ये डिस्कशन सिर्फ सरफेस लेवल की डिस्कशन हमने नहीं रखी बल्कि हर लिहाज से हमने ऑप्टिमाइजेशन को भी मद्नजर रखा ऑप्टिमाइजेशन कोरी प्रोसेसिंग के एंड से भी हमने देखी कि जब हम कोरी का आंसर जनरेट uh, करने की कोशिश कर रहे हैं तो उसमें हम कोई एलग्रिदम्स uh, अच्छे इस्तेमाल करें कोई ब्रूट फोर्स टाइप एलग्रिदम्स को इस्तेमाल ना करें जो कि फंक्शनल रिक्वायरमेंट तो पूरे कर रहे हों लेकिन कॉम्प्लेक्सटी uh, वाइज बहुत ज़्यादा हों इसी एंड से हमने इस कोर्स में बारहा ये देखा कि इन्वर्टेड इंडेक्स और कोरी प्रोसेसिंग एक दूसरे के ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है इस कदर ज़्यादा सोफिस्टिकेटेड इन्वर्टेड इंडेक्स बना होगा उसी कदर ज़्यादा एफिशिएंट कोरी प्रोसेसिंग हम कर सकते हैं तो इस एंड से हमने डिफरेंट टाइप्स की क्वेरीज के कॉन्टेक्स्ट को मद्देनज़र रखते हुए थोड़ा डिस्कशन की हर हर टाइप की क्वेरी के हवाले से कि इन्वर्टेड इंडेक्स को इंटर्न किस तरह का बनाया जाए कि वो डिफरेंट टाइप्स की कोरीज़ को एफिशेंटली प्रोसेस कर सके और उसमें एलग्रिदमिक कॉम्प्लेक्सिटी को भी हमने डिस्कस किया ऑप्टिमाइजेशन कैंट से और इसी तरह से इन्वर्टेड uh, इंडक्स की स्टोरेज के हवाले से जहाँ तक बात है तो उसमें हमने कॉम्प्रेशन टेक्निक्स को भी डिस्कस किया ताकि हमें ये पता लगे कि इन्वर्टेड इंडक्स क्रिएट करना तो एक तरफ़ लेकिन उसको वो बहुत लार्ज स्केल स्टोरेज ना ले बल्कि uh, जिस कदर कम स्टोरेज में उसको हम रख सकते हैं उसके ऊपर भी हमने डिस्कशन की और इसी में आ, टाइम के हवाले से हमने बात की किस किस कि, कितनी तेज़ी से सारी की सारी इंफॉर्मेशन प्रोसेस हो सकती है टाइम कॉम्प्लेक्सिटी रिडक्शन जो है दैट वाज ऑलवेज़ अ फोकस इन इन द होल कोर्स फिर इन्वर्टेड इंडेक्स के हवाले से अगर थोड़ी सी और बात करें तो उसको हमने एक स्मॉल स्केल से स्केल अप करते करते अंडरस्टैंड uh, करने की कोशिश की इनिशियली हमने कहा कि इन्वर्टेड इंडेक्स सिर्फ एक uh, हमारी जो रैम है एक बहुत स्मॉल लिटिल स्केल आईआर सिस्टम की बात की जिसमें रैम में सारा इन्वर्टेड इंडेक्स इन मेमोरी मौजूद था फिर हमने उसको स्केल अप किया और कहा कि वो मेम रैम में नहीं बल्कि हार्ड डिस्क के ऊपर अगर स्टोर करना हो तो क्या कंसिड्रेशन हैं और किस तरीके से इसे बिल्ड करना चाहिए और फिर उसके बाद हम थोड़े और ज़्यादा रियलिस्टिक हुए और हमने बात की कि यूजली एक सिस्टम भी इनसफिशिएंट होता है बहुत सारे सिस्टम्स को इनको एक दूसरे के साथ इंटीग्रेट करके एक क्लस्टर कंप्यूटिंग को इस्तेमाल करते हैं मैटर फैक्ट किस तरीके से हम बहुत लार्ज स्केल सिस्टम को इस्तेमाल करते हुए स्टोरेज सिस्टम को और प्रोसेसिंग सिस्टम को इस्तेमाल करते हैं Uh, अपना इन्वर्टेड इंडेक्स भी स्टोर कर सकते हैं और क्वरीज़ को भी फर्दर प्रोसेस कर सकते हैं ये कुछ बेसिक्स थी जो कि यूजुअली तमाम आईआर सिस्टम्स के एंड से ज़रूरी हैं फिर हम हमने इसी कॉन्टेक्स्ट में वेब बेस्ड इंफॉर्मेशन रिट्रीवल सिस्टम्स की बात की तो वो एक ज़रा पर्टिकुलर रिक्वायरमेंट्स हैं वेब बेस्ड इंफॉर्मेशन रिट्रीवल सिस्टम्स की जिसमें के डाटा जो है वो वेब पेजेस की फॉर्म में अवेलेबल है तो उसमें हमने आ, कुछ बेसिक्स अंडरस्टैंड की आ, वेब बेस्ड सिस्टम्स की जो इंटरनेट बेस्ड सिस्टम्स हैं उनकी और उसमें में फिर हमने सबसे पहले क्रोलिंग को गो थ्रू किया या स्पाइडरिंग भी उसे कहा जाता है तो वेब स्पाइडरिंग की जिसके थ्रू कि हमने अपने इन्वर्टेड इंडक्स को पॉपुलेट किया इसी स्पाइडरिंग को फिर कंटिन्यू करते हुए हमने इसके डिफरेंट टेक्निक्स पढ़ी कि एक लार्ज स्केल स्पाइडर स्पाइडरिंग सिस्टम किस तरह से बनाया जा सकता है जो कि एक बिलियंस ऑफ पेजेस के इंटरनेट को रिलेटिवली क्विक टाइम में और एफिशिएंट तरीके से क्रॉल करने में हम हमारा मददगार साबित हो सकता है और फिर इसके ऊपर क्वेरी प्रोसेसिंग जो है उसकी भी बात की साथ ही में हमने डीप वेब को भी गो थ्रू किया कि डीप वेब जो कि ऐसा वेब है जो जिसमें के वेब पेजेस के ऊपर ऐसा इन्फॉर्मेशन नहीं है बल्कि डिफरेंट सर्विसेज़ हैं जो कि इन्फॉर्मेशन को एक्सपोज़ कर रही हैं और वो सर्विसेज से हमें ऑन द फ्लाई डाटा लेना पड़ता है और उस डाटा को फिर यूज़र की क्वेरी के मुताबिक ऑब्वियसली डाटा लेना पड़ता है और उसको प्रोसेस करके इन रिस्पॉन्स यूज़र को कुछ ना कुछ रिज़ल्ट देने इसके ऊपर भी हमने बात की और इसी कॉन्टेक्स में थोड़ा बहुत हमने सर्च कंप्यूटिंग को भी देखा फिर आ, फर्दर अगर हम जाएँ तो हमने रैंकिंग के ऊपर बात की और रैंकिंग में हमने आ, पेज रैंक की बात की आ, जो कि एक आ, ऐसा सिस्टम है जो कि वेब के ऊपर जो पेजेस के लिंक्स हैं उनको एक्सप्लोइ करता है और उस बुनियाद पे ऑफलाइन एक स्कोर कंप्यूट करता है जो कि एक पेज की नवे क्रेडिबिलिटी कोई संभव रिफ्लेक्ट कर रहा होता है कि ये पेज के ऊपर जो पीस ऑफ इंफॉर्मेशन पड़ा है उसके ऊपर हमें किस कदर लाई करना चाहिए तो ये पेज रैंक को भी हमने डिस्कस किया और हिट एक और है उसको भी हमने डिस्कस किया आ, इसी तरह डीप वेब के कॉन्टेक्स में हमने टॉप के कोरीज़ को भी डिस्कस किया या रैंक जॉइंस को डिस्कस किया जिसमें के वो भी एक रैंकिंग का कॉन्सेप्ट है कि जो टॉप रिजल्ट्स हैं वो नस्बता बेहतर होने चाहिए और एज अ मैटर ऑफ फैक्ट तमाम यूज़र्स टॉप यू रिजल्ट्स में इंटरेस्टेड होते हैं बेशक हम मिलियंस ऑफ रिज़ल्ट प्रजेंट कर रहे इसी को फिर फर्दर लेके चले और हमने कुछ एडवांस टॉपिक्स जिसमें क्लस्टरिंग और क्लासीफिकेशन को देखा कि वेब कॉन्टेक्स्ट में क्लस्टरिंग किस तरह से हेल्पफुल हो सकती है या इन जनरल उसी चीज़ को हम एक्सटेंड कर सकते हैं किसी भी लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम के हवाले से भी और अदरवाइज़ भी क्लस्टरिंग को आईआर सिस्टम्स किस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं उसके कुछ नाइव सिंपल सी एग्जांपल्स देखी और कुछ बेसिक से प्रोसेस देखे फ्लैट क्लस्टरिंग के हेरारिकल uh, क्लस्टरिंग पे हमने जस्ट वो थ्रू किया और uh, मैंने रिकमेंड किया कि आप ज़रूर बुक से भी कंसल्ट करें और مزید स्टडी भी करें इस हवाले से आ, फिर हमने क्लासिफिकेशन के ऊपर बात की और क्लासिफिकेशन को भी हमने अंडरस्टैंड किया इसी तरह आई आर सिस्टम के हवाले से और उसमें रिकमेंडेशनस के हवाले से और इसमें डिफरेंट एलग्रदम्स हमने देखे जो कि कॉन्टेंट को क्लासीफाई करने के हवाले से हमें मददगार साबित हो सकते हैं मिसाल के तौर पर एक डॉक्यूमेंट स्पैम है या नहीं है एक डॉक्यूमेंट किस टॉपिक से ज़्यादा रेलीवेंट है न्यूज़ से ज़्यादा रेलिवेंट है या फॉर इंस्टेंस कोई बुक है कोई नावल है कोई भी इनपुट जो डॉक्यूमेंट हमारे सामने आ रहा है वो किस टाइप का है किस क्लास से बिलोंग करता है इसके ऊपर हमने डिस्कशन की और इसमें हमने क्लासिफिकेशन की दो तीन टेक्निक्स जो हैं वो यहाँ पे स्टडी की और टूअर्ड्स द एंड हमने रेकमेंडर सिस्टम्स के ऊपर बात की जो कि पर्सनलाइजेशन को एड्रेस करते हैं और आ, आ, सोशल नेटवर्किंग के अंदर आ, स, जो ऑनलाइन सर्च जो सेल्स परचेस के सिस्टम्स हैं ई कामर्स से रिलेटेड वो रेगुलसली इस चीज़ को इस्तेमाल करते हैं आइटम्स को रेकमेंड करने के लिए कस्टमर्स को कि आप इस चीज़ को ख़रीदें वगैरह वगैरह बहुत सारी जगहों पे रिकमेंडेशंस इस्तेमाल होती हैं और उसकी जो दो मेजर टेक्निक्स हैं बेसिक टेक्निक्स और आगे उनके बहुत सारे वेरिएंट्स हैं लेकिन हमने दो बेसिक टेक्निक्स जिनमें कलेबरेटिव फ़िल्ट्रिंग और कंटेंट बेस्ड रेकमेंडेशंस इनको गो थ्रू किया तो ऑल इन ऑल मेरी जतीी राय में ये है कि हमने इस कोर्स के जो कोर इंग्रेडिएंट्स को भी कवर किया है और कुछ एडवांस टॉपिक्स को भी हमने इस कोर्स के दौरान अच्छे तरीके से डिस्कस करने की कोशिश की है और हर चीज़ को हमने थोरली रिग्रेस डिटेल्स के साथ डिस्कस करने के, के की कोशिश तो की है लेकिन ओबियसली इस इस कोर्स की सक्सेस जो है वो आ, सिर्फ और सिर्फ इन लेक्चर से नहीं बल्कि आप लोगों की जो पर्सनल एफर्ट है जिसमें कि आप एडिशनल रिसोर्स जो हमने मेंशन किए हैं इस कोर्स के कंडक्शन के दौरान उसको आप लोगों ने इनकॉप्रेट करना है और उसमें जो भी एडिशनल बुक्स हैं आ, जो रिलेवेंट मटेरियल है आर्टिकल रिसर्च आर्टिकल्स हैं और ऑन टॉप ऑफ दैट इंटरनेट को इस्तेमाल करते हैं, जो भी आपको प्रॉब्लम आ रहा है कोई भी छोटा मोटा पॉइंट दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड उसके लिए आप ऑबियसली वेब को अपना स्ट्रॉन्ग फ्रेंड बना लें ताकि आप उसी उससे फौरी तौर पर हेल्प आउट करें अपने आप को और अपने बजाय इसके कहीं पॉज हो आपके स्टडी के अंदर आप उस चीज़ को फौरी तौर पर रेक्टिफाई करें एंड मूव ऑन एंड ऑन दिस वाज अ स्मॉल लिटिल ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ व्हाट वी हैव कवर्ड इन दिस कोर्स विद दिस आई मूव टू द सेकेंड पार्ट जिसमें कि हम बात करेंगे कि रिसेंट ट्रेंड्स क्या हैं और किस टाइप की रिसर्च हो रही है uh, फ़िल वक्त इन्फॉर्मेशन रिट्रील सिस्टम और इससे मिलते जुलते uh, जो टॉपिक्स हैं उनसे रिलेटेड आई आर सिस्टम्स की uh, अंदर जो हमने बेसिक चीज़ें पढ़ी उनमें ऑबियसली

किस सोर्स uh, को बेहतर समझें और उसी की बुनियाद पर डिसीशन मेकिंग करें फिर इसी तरह हमारे पास रीजनिंग uh, सिस्टम्स हैं और सर्चिंग सिस्टम्स हैं और बेशुमार तरह की जो एडवांस uh, किस्म की रिसर्च है वो इस डोमेन uh, के हवाले से और इससे मिलती जुलती जो डोमेन्स हैं उन उनको मिला के कलेबरेटिव सी रिसर्च जो है वो कंडक्ट की जा रही है इसी को ज़रा और ज़्यादा स्ट्रक्चर्ड अंदाज़ से देखें तो पहले नंबर पे पर्सनलाइजेशन कैन बी वन पॉइंट जिसमें कि हम यूज़र की प्रेफ़रेंसेस और उसकी से लोकेलेटी लोकेशन उसकी बुनियाद सम हाउ अपनी सर्च को मोल्ड कर लें अगर तो वो एक बहुत ज़्यादा बेनिफिशल चीज़ हो सकती है यूज़र के सर्च एक्सपीरियंस को इनहेंस करने के हवाले से थोड़ी बहुत बात इस कॉन्टेक्स्ट uh, में हमने टुवर्ड्स एंड ऑफ द कोर्स रिकमेंडर सिस्टम्स के अंदर की भी लेकिन ओबियसली दैट वाज जस्ट द द बेसिक्स ऑफ रिकमेंडर सिस्टम्स लेकिन जो करंटली हमारे पास uh, जिस तरह से मोबाइल डिवाइस बहुत ज़्यादा कॉमन हो गई हैं और उनमें जी पी सिस्टम्स वगैरह हमारे पास मौजूद हैं तो यूज़र की करेंट लोकेशन क्या है यूज़र इन परसन उसकी प्रेफरेंसेस क्या हैं आ, और अभी आपने देखा कि बहुत सारे सिंगल साइन ऑन सिस्टम्स वगैरह हमारे पास मौजूद हैं जिससे कि हम यूज़र की जो पर्सनल एक्टिविटीज़ हैं उनको हमारे जो सिस्टम्स हैं वो सम हाउ लॉग कर रहे हैं उसके रिकॉर्ड कीपिंग कर रहे हैं और यूज़र के बिहेवियर को नोट डाउन कर रहे हैं उसकी बुनियाद पे वो यूज़र को ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर फैसिलिटेट करने की कोशिश करते हैं तो ये आई सिस्टम्स के अंदर पर्सनलाइजेशन के एंड से इस तरह का काम हो रहा है जिसके अंदर ऑबवियसली uh, आप में से जो भी रिसर्च इस एंड से करना चाहते हैं दे कैन कम अप एंड रीड रिलेवेंट आर्टिकल्स और ऑबियसली uh, uh, उसी कॉन्टिन्यूशन में कुछ ना कुछ uh, नया अपने एंड से भी ग्रेजुएट लेवल पर कोई ना कोई कॉन्ट्रीब्यूशन यू कैन एड इट सर्टनली फिर सोशल नेटवर्किंग के एंड से अगर हम बात करें तो उस में बहुत सारा डाटा हमारे पास मौजूद है और उस में ना सिर्फ आ, सोशल नेटवर्किंग के सिस्टम्स बढ़ते जा रहे हैं जिनमें के आपके ट्विटर और फेसबुक और गूगल प्लस इस तरह के सिस्टम्स हैं बल्कि इनमें इजाफ़ा भी होता जा रहा है और कुछ प्रोफेशनल नेटवर्किंग के लिंकड वगैरह टाइप सिस्टम्स रिसर्च के हवाले से रिसर्च गेट और भी कुछ इस तरह के आ, सिस्टम्स जो हैं वो बनते जा रहे हैं जो कि एक कम्युनिटी बेस सिस्टम्स हैं कुछ प्रोफेशनल कम्युनिटी को रिफ्लेक्ट कर रहे हैं, कुछ रिसर्च कम्युनिटी को रिफ्लेक्ट कर रहे हैं और कुछ इन जनरल ओवरऑल सोसाइटी को रिफ्लेक्ट कर रहे हैं और उसके हवाले से बनाए जा रहे हैं तो इन्हीं के एंड से हमारे पास एक रूम है रिसर्च का कि इन सिस्टम्स को किस तरह से मज़ीद बेहतर भी बनाया जा सकता है नंबर वन और नंबर टू इनको किस तरह से एक्सप्लोइ किया जा सकता है आई आर Uh, के हवाले से इंफॉर्मेशन रिट्रीवल के एंड से मिसाल के तौर पे इसी के कॉन्टेक्स में अगर हम बात करें तो विजडम ऑफ द क्राउड एक टर्म है जो कि शायद आप में से कुछ लोगों ने सुनी हो उसमें अब पॉइंट क्या है कि लोगों की जो नॉलेज है या लोगों का जो सोच है उसको इस्तेमाल किया जाए एज अ मैटर ऑफ फैक्ट जो हम डेमोक्रेसी की बात करते हैं वो भी इसी कॉन्टेक्स्ट में है कि लोगों की राय लेके कुछ ना कुछ किया जाए तो इसी कॉन्सेप्ट को सर्चिंग uh, के हवाले से भी इनकॉर्पोरेट uh, किया गया और क्राउड के नाम से इसको यूज़ किया जाता है तो विजडम ऑफ द क्राउड इसमें क्राउड सर्चिंग और क्राउड सोर्सिंग ये दो मेन इंग्रेडिएंट्स हैं जो दो मेन डिफरेंट वेरियंट्स हैं जिसके थ्रू केस सर्चिंग जो है उसको वेब सर्च को ज़्यादा इफेक्टिव बनाने की कोशिश की गई है तो आ, क्राउड सोर्सिंग जो है वो ज़्यादातर मल्टीमीडिया मीडिया रिट्रीवल से रिलेटेड है मिसाल के तौर पर इस पर कुछ लोगों ने काम किया और उन उन्होंने क्या आइडिया दिया कि अगर हम एक इमेज को एज़ इनपुट दें और बजाय इसके कि टेक्स्ट क्वेरी को इनपुट करें हम अगर एक इमेज को इनपुट देते हैं तो उस इमेज से रिलेवेंट इमेजेस सिमिलर इमेजेस हमें चाहिए बिल्कुल उसी तरह जिस तरह हम टेक्स्ट लिखते हैं तो कीवर्ड्स बेस्ड क्वेरी करते हैं तो उस कीवर्ड्स से मिलते जुलते या जो हम चाह रहे हैं वो इन्फॉर्मेशन नीड हमारी पूरी करे आई सिस्टम तो इमेज को एज़ इनपुट दे उससे सिमिलर इमेज़ को गेट करना ये भी एक काम है तो अब इस तरह एक इमेज को इनपुट दे के जब हम रिट्रीव करने की कोशिश करते हैं इन uh, रिस्पॉन्स कुछ तो वो अच्छे रिजल्ट्स अभी तक हम हमारे आईआर सिस्टम्स कैट करने में कामयाब नहीं हुए और मल्टीमीडिया आईआर सिस्टम्स इतने इजी टू हैंडल हैं भी नहीं ऑन टॉप ऑफ दैट किया क्या जा सकता है कि हम क्राउड uh, हायर कर लें एंड पे और जो हमारा सिस्टम रिजल्ट्स प्रोड्यूस कर रहे हैं उन रिजल्ट्स को हम क्राउड के हवाले करें जो कि हमने एज एम्प्लॉई हायर किया हुआ है वो ऑन द फ्लाई हमारी क्वरी के अगेंस्ट जो रिज़ल्ट आ रहे हैं उन रिज़ल्ट को इनपुट जो क्वरी है बीट इमेज और कीवर्ड उससे कंपेयर करके बताए कि कौन से रिज़ल्ट हैं वो रिज़ल्ट जो कि मीनिंगफुल हैं उनको इन टर्न यूज़र को प्रोवाइड कर दिया जाए तो ये ऑन द फ्लाई हो रहा है तो ऑब्वियसली इसमें एक चीज़ हमें वादे तौर पर नज़र आ रही है कि रिस्पॉन्स टाइम थोड़ा सा ज़्यादा हो जाएगा क्यों क्योंकि बीच में ह्यूमन इंटरवेंशन आ गया अब ये सेमी ऑटोमेटिक हो गया कि इनिशियली सर्च सिस्टम ने रिजल्ट्स प्रोड्यूस किए वो रिजल्ट्स बजाय इसके कि डायरेक्टली एंड यूज़र तक पहुंचा दिए जाएं वो दरमियान में क्राउड हायर हुआ हुआ है जो जो क्राउड वेल ट्रेंड है जो कि इनपुट कोरी के अगेंस्ट आउटपुट को असेस करके उसके अंदर से चीज़ों को बताता है कि कौन से रिज़ल्ट नस्त बेहतर हैं और फिर उन रिज़ल्ट को इवेंचुअली एंड यूज़र तक पहुँचाया जाता है तो मेरे ख़्याल में अगर मैं अपने ज़ाती असमेंट इसके ऊपर दूँ तो ये कोई इतनी बुरी बात नहीं है इनफैक्ट हमें जैसे जैसे information का जो है वर्ल्ड वाइड वेब वो इंक्रीज़ करती जा रही है हमें ज़्यादा मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन ढूंढना उतना ही मुश्किल होता जा रहा है तो उसमें थोड़ा सा अगर एडिशनल टाइम लगता है और विच इज़ एज मैटर ऑफ फैक्ट इन वे नग्लेजबल आई शुड से नग्लेजबल इन देंस के मे बी टेन सेकेंड्स भी लग जाते हैं क्वरी को हैंडल होते हुए हैं. तो स्टिल अगर मुझे रिज़ल्ट बड़े मीनिंगफुल मिल जाते हैं तो टी डी एस क्वरीज़ के कोरोस्पॉन्डिंग तो उसको मैं uh, मेरे लिए वो चीज़ एक्सेप्टेबल है कि मुझे अच्छे रिज़ल्ट एटलीस्ट मिल गए हैं तो ऑबियसली यहाँ पे जो मैंने बात की दैट वॉज के टी डी एस क्वरीज़ के कोरोस्पॉन्डिंग अब इसमें क्वेरीज की कैटेगराइजेशन भी बड़ी इंपॉर्टेंट है कि क्या हम हर क्वेरी के लिए क्राउड uh, सोर्सिंग करनी स्टार्ट कर देंगे तो ऑबियसली नॉट तो इसके लिए जेनेरिक फ्रेमवर्क्स वगैरह बनने शुरू हो गए हैं और एज अ मैटर ऑफ फैक्ट क्राउड की हार्नेसिंग के लिए अमेजोन ने एक फैसिलिटी भी दी है जिसे अमेज़ॉन मकैनिकल टर्क का नाम दिया गया और उसमें हम एक लार्ज नंबर ऑफ क्राउड या पीपल को हायर करके और उनको इंकॉर्प्रेट कर सकते हैं एक सिस्टम के अंदर जो के अपनी इनपुट दे सकते हैं ऑन द फ्लाई और उस इनपुट को इनकॉर्पोरेट करते हुए हम अपने रिजल्ट्स जो हैं वो जनरेट कर सकते हैं तो ये भी एक डायमेंशन है जो के क्राउड सोर्सिंग कहलाती है इसी तरह एक नई डायमेंशन इसी कॉन्टेक्स में हमें नज़र आती है दैट इज़ क्राउड सर्चिंग क्राउड सर्चिंग जो है वो इसी तरह सोशल नेटवर्क्स की जो वेबसाइट्स हैं उनको इस्तेमाल करते हुए ओपिनियन बिल्डिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं मिसाल के तौर पे आइडिया क्या है कि आ, आप जॉब फाइंड कर रहे हैं तो आपने जॉब सर्च की जो तीन चार जॉब्स आपको इंटरेस्टिंग लगी उनके अंदर से वो जॉब्स आपने वहाँ से सिलेक्ट कि और उनके कॉरस्पॉन्डिंग एक छोटा सा क्वेश्चन सा बना के आपने लॉन्च कर दिया फॉर इंस्टेंस फेसबुक के ऊपर और फेसबुक पे अपने फ्रेंड्स को या फेसबुक पे हम ग्रुप्स भी बना सकते हैं सोशल नेटवर्क की वेबसाइट्स हमें ग्रुप्स भी बनाने की इजाज़त देती हैं कि ये मेरे रिलेटिव्स हैं ये मेरे प्रोफेशनल कनेक्शंस हैं ये मेरे स्कूल uh, के दोस्त हैं वगैरह 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 तो उसमें इस जॉब के हाले से आप अपने प्रोफेशनली जो आपके दोस्त बने हुए हैं उन दोस्तों को आप आ ये उनकी पोस्ट कर देते हैं कि आप इस बारे में मुझे सजेस्ट करें और उनकी जो सजेशन है उसकी बुनियाद पे फिर आप कोई डिसीजन मेकिंग करते हैं तो ये एक नई नया एक आइडिया है जिसकी बुनियाद पे के बात की जा सकती है कि एक एक ऐसा सर्च को एक नई डायमेंशन दे दी एज अ मैटर ऑफ फैक्ट जिसको क्राउड सर्चिंग का नाम दे दिया गया कि जो रिज़ल्ट आए उनके ऊपर क्राउड से या इन फैक्ट सफिस्टिकेटेड क्राउड से ओपिनियन ले ली गई और उस ओपिनियन की मदद से फिर आप आ, अपनी भी कोई फ़ाइनल डिसीजन मेकिंग में आपको नस्बता आसानी हो गई ओपिनियन आपको मिल गई कई सारी चीज़ें होती हैं जिनका आपको एज सच नहीं पता होता फॉर इंस्टेंस आप में से कोई आ, स्वीडन या यूरोप में किसी इटली यूके कोई पढ़ने जाना चाहता है तो आप उस टाइप की कोई इंफॉर्मेशन को इस तरह के क्राउड सर्चिंग सिस्टम्स के थ्रू पोस्ट कर सकते हैं और लोगों से ओपिनियन ले सकते हैं ओवर द सोशल नेटवर्क जिससे कि ऑब्वियसली आपकी डिसीजन मेकिंग में नस्बता आसानी हो जाएगी तो इस एंड से बहुत सारा काम करने वाला है और ये काफ़ी नया आइडिया है जो कि लेटली अभी दो एक साल पहले इस पे काम लोगों ने स्टार्ट किया है इसी तरह क्राउड सोर्सिंग भी दो तीन साल हुए कि लोगों ने इसके ऊपर काम करना शुरू किया तो बहुत सारा रूम है इन एरियाज़ में रिसर्च को कंडक्ट करने के हवाले से भी इसी कॉन्टेक्स में अगर हम बात करें तो कलेब्रेटिव एडिटिंग के बहुत सारे काम हैं जो कि जिस तरह विकीपीडिया है और क्राउड सोर्सिंग और सर्चिंग के साथ साथ ये भी एक क्राउड बेस्ड काम ही है जिसमें कि हम सारे लोग हमें पता है कि विकिपीडिया इज़ एडिटेबल और उसमें हम अपना कंट्रीब्यूशन दे सकते हैं और जो डिफरेंट टॉपिक्स हैं उन उनके ऊपर पीस ऑफ इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जा सकती है तो विकिपीडिया पब्लिकली अवेलेबल चीज़ है जिसको के तमाम लोग अपने एंड से एडिटेबल edit, है तो लोगों के एंड से और हम अपने नॉलेज की बुनियाद पर उसमें इंफॉमेशन uh, इम्पार्ट कर सकते हैं तो इस तरह से हम ना सिर्फ सर्चिंग के हवाले से कंट्रीब्यूट कर सकते हैं बल्कि नॉलेज या डेटा की इनपुट के कॉन्टेक्स्ट में भी डेटा uh, इनपुट की एक्टिविटीज़ जो हैं वो भी कंडक्ट कर सकते हैं फिर बात की जा सकती है डेटा की क्वालिटी के कॉन्टेक्स में तो क्वालिटी के हवाले से अगर हम बात करें तो प्रोविनेस इज़ वन वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर के किस सोर्स क्या है लीनियज क्या है एक पर्टिकुलर डाटा का तो क्वालिटी जो है वो किस तरह से इम्पॉर्टेंट है दैट्स अगेन समथिंग इंटरेस्टिंग अगर हम बात करें लेट्स uh, से एक एग्जांपल से इसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं कि होंडा सिटी एक कार है वो कितने माइल्स करती है एक लेटर में दैट कैन बी वन इंटरेस्टिंग क्वेश्चन इस सवाल का जवाब अगर देखा जाए तो शायद बहुत सारी जगहों पर इंटरनेट पर इस सवाल का जवाब मौजूद हो तो इस सवाल के जवाब में न सिर्फ जवाब मौजूद होगा बल्कि बड़ी डाइवर्सिफाइड किस्म की वैल्यूज़ भी मौजूद होंगी हमारे पास तो किस वैल्यू के ऊपर इतबार किया जाए और किस पे ना इतबार किया जाए ये अगेन इट टर्नज आउट टू बी अ बिग क्वेश्चन मार्क तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से जो वेबसाइट्स की क्रेडिबिलिटी है कॉन्फिडेंस है उनके ऊपर यूज़र्स का इस ये भी बड़ा मैटर करती है इसको क्रॉब्रेशन ऑफ द डाटा सोर्सेज का नाम दिया जाता है और इसमें यह देखा जाता है कि कौन सा सोर्स है उसकी क्रेडिबिलिटी कितनी है और प्रीवियसली जो यूज़र का को रिलेशन है विद रिस्पेक्ट टू द एग्रीमेंट ऑन ऑन द इंफॉर्मेशन दैट इज़ प्रोवाइडेड बाय दिस सोर्स ये भी मैटर करता है तो ये दो तीन फैक्टर्स मिला के उसकी बुनियाद पर हम इवेंचुअली डिसाइड करने की कोशिश करते हैं कि Uh, होगा क्या कि इंफॉर्मेशन को हम uh, किस सोर्स की इन्फॉमेसन को ज़्यादा क्रेडिबल माने और किस सोर्स की इन्फॉमेसन को कम क्रेडिबल uh, हम माने फिर अगर हम डेटा एक्सट्रैक्शन की बात करें तो डेटा एक्सट्रैक्शन के एंड से क्वेश्चन आंसरिंग बेस्ड क्वेरीज भी हैं कीवर्ड बेस्ड क्वेरीज भी हैं और बहुत सारी डिफरेंट टाइप्स की कोरिज़ इंटर्न कीवर्ड बेस्ड हैं जैसा कि अभी मैंने बात की कि हम बेशक कोई इमेज एज इनपुट भेज दें और उसके कोरस्पॉन्डिंग इन्फॉमेशन ढूंढने की कोशिश करें मल्टी मीडिया इन्फॉर्मेशन के अंदर आ, ऐसी साइट्स भी हैं जिसमें कि आप कोई सॉन्ग ढूंढना चाह रहे हैं तो आप गा के उस सॉन्ग को ढूंढने की कोशिश करें और जो आप बोल रहे हैं उसको इंटरप्रेट करके आ, उसको क्यूरी की फॉर्म में इनपुट ले रहा है और उसके कॉरेस्पॉन्डिंग कुछ ना कुछ आंसर आपको ला के दे रहा है वगैरह वगैरह तो इसमें जो इनपुट करने का तरीका तरीक़ाकार है और आउटपुट लेने का जो अंदाज़ है वो और उसकी प्रोसेसिंग कैसे होनी है ये कई सारे डिफरेंट डायमेंशनस में इसके ऊपर काम हो रहा है फिर मल्टी मीडिया आई आर के कॉन्टेक्स में अगर बात करें तो उसमें मज़ीद कुछ इस तरह से है कि आप एक फ़ॉर इंस्टेंस बराक ओबामा की अगर बात करें या किसी भी अमेरिकन प्रेजिडेंट की बात करें तो उ, उ, उनके बुश की बात करें तो एक पर्टिकुलर मूवी के अंदर मूवी क्लिप के अंदर किस किस जगह पर बुश का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ वो हाईलाइट करें तो टाइम लाइन के ऊपर उसको फिगर आउट करना नंबर वन के कहाँ कहाँ ये लफ्ज़ भूला गया और फिर उसके बाद उसको प्रॉपरली डिस्प्ले करना टाइम लाइन के ऊपर डिफरेंट uh, हाई के थ्रू के इस जगह पे आपका जो आंसर है वो मौजूद है ये मल्टी मीडिया इन्फॉर्मेशन रिट्रील के कॉन्टेक्स में इस तरह की बातें भी हैं जिनके ऊपर के काम हो रहा है और मज़ीद काम करने की गुंजाइश भी है फिर मजीद इस पर बात करें तो डेटा एक्सट्रैक्शन के हवाले से तो उसमें नॉलेज वर्सेज़ रीजनिंग के ऊपर भी बात आती है तो गूगल की अगर हम बात करें या एक ऑर्डनरी आई आर ऑर्डनरी तो नहीं कहना चाहिए एक कीवर्ड बेस्ड सर्चिंग सिस्टम की अगर बात करें तो उसमें कीवर्ड्स की बुनियाद पर इंफॉर्मेशन को सर्च किया जाता है और सिमिलैरिटी कंप्यूट की जाती है जैसा कि जनरल पर्पज़ सर्च इंजन हमारे सामने मौजूद हैं और हमारा मेजॉरिटी ऑफ द कोर्स इसी के ऊपर बेस कर रहा था इसी के साथ साथ एक नई डायमेंशन है जिसमें रीज़निंग बेस्ड इंजन्स भी हैं ये क्या करते हैं कि ये इंफॉर्मेशन को स्टोर नहीं कर रहे बल्कि रीजनिंग के ऊपर आंसर्स जनरेट कर रहे हैं इन्हीं में वुल फ्राम अल्फ़ा एक रीजनिंग इंजन है जिसमें फॉर इंस्टेंस आप आ, कोई इक्वेशन मैथमेटिक्स की उसमें एज इनपुट देते हैं तो वो उस इक्वेशन के कोरिस्पोंडिंग जो प्लेन uh, में फॉर इंस्टेंस अगर एक टू डायमेंशनल इक्वेशन आपने दी है इक्वेशन uh, दी है तो उसको प्लेन में ड्रॉ करके और उसका सोलूशन जो है वो आपको प्रोवाइड करता है और प्रॉपर सारे स्टेप्स जो हैं वो वहाँ पे आपको करके दिखाए जाते हैं और उनके साथ एक्सप्लेनेशन भी आती है तमाम स्टेप्स की तो ऑबियसली अब किसी को ये तो नहीं पता कि कौन सा सवाल इनपुट किया जाएगा इसमें बहुत सारे डिफरेंट तरह मतलब ऑब्वियसली जिस तरह मैथमेटिक्स में कहा जाता है कि सवाल याद नहीं करना है बल्कि मेथड याद करना है या मेथड समझना है एज अ मैटर ऑफ फैक्ट तो रीजनिंग uh, एंजन्स को मेथड समझाया जाता है बजाय इसके कि उन्हें हर चीज़ याद करा दी जाए जबकि जो ऑर्डनरी uh, uh, या या कीवर्ड बेस्ड आई शुड से कीवर्ड बेस्ड आई सिस्टम्स हैं उनके अंदर हम तमाम के तमाम डाटा को इन्वर्टेड इंडेक्स में स्टोर करवा देते हैं और वो डाटा को एक तरह से याद कर लेते हैं और जो इनपुट आती है उसको डाटा से मैच करके और आंसर देना शुरू कर देते हैं जो रीजनिंग इंजनस हैं वो डाटा को याद नहीं करते हैं याद नहीं रखते हैं बल्कि मेथड को याद रखते हैं और उसके ऊपर जो भी इनपुट आती है उसको कैटेगर करते हैं कि ये किस नोयीत की इनपुट है और उससे रेलिवेंट जो इंफॉर्मेशन या जो रीज़निंग का प्रोसेस है उसको चलाया जाता है बिल्कुल इसी तरह से जिस तरह के हमारे सामने अगर एक इंटीग्रेशन का क्वेश्चन आएगा तो हमारा दिमाग उसको इंटीग्रेशन के मेथड से ही सॉल्व करने की कोशिश करेगा क्योंकि हम हमारे जहन को इंटीग्रेशन पढ़ाई गई और जब इंटीग्रेशन का एक क्वेश्चन आया तो उसने अंडरस्टैंड किया कि ये एक इंटीग्रेशन का क्वेश्चन है तो इंटीग्रेशन के सोलूशन के लिए जो मैथड इस्तेमाल किया जाना चाहिए वही यहाँ पर अप्लाई हो जाना चाहिए तो एक्जैक्टली exactly इसी तरह से जो रीजनिंग एंजन हैं उनके वो भी बहुत सारे डिफरेंट मैथड्स की रीजनिंग एज़ इनपुट दे दी जाती है इन द फर्स्ट प्लेस वो क्या करते हैं कि जो इनपुट क्वेश्चन आया वो ये है कि इस टाइप का इस पर अप्लाई किया होना चाहिए ये एक्सपेक्ट किया और उसके बाद वो वाला मैथड उसके ऊपर अप्लाई किया और आंसर जनरेट कर दिया स्टेप बाई स्टेप और इवेंचुअली हमारे सामने आंसर आ जाता है तो आप इस तरह के जो आपके छोटे बहन भाई हैं जो कि अभी एलिमेंट्री क्लासेस में हैं उनको उनके लिए एक बड़ी इंटरेस्टिंग बड़ा इंटरेस्टिंग एक्सपीरियंस हो सकता है कि आप वो अपने पर्टिकुलरली मैथमेटिक्स से रिलेटेड जो क्वेश्चन हैं उनको आ, उसी तरह की जिस तरह की एक सर्च बार हमें मिलती है उसमें टाइप इन करें और वो पूरे का पूरा सॉल्व वो क्वेश्चन आपके सामने आ जाएगा क्योंकि आपके आ, अंडरस्टैंडिंग में भी इजाफा करेगा अगेन ये हमारे अपने ऊपर होता है कि हम एक सहूलत को पॉजिटिवली इस्तेमाल करना चाहते हैं या नेगेटिवली तो ये तो हमारी अपनी चॉइस है लेकिन ऑबियसली जो इसको समझने के लिए इस्तेमाल करेगा उसके लिए ये एक इंतहाई यूज़फुल चीज़ के तौर पे सामने आएगी नेक्स्ट जो बात है दैट इज़ अबाउट क्रॉस लिंगल आई तो इसमें यह है कि ऑब्वियसली जैसे जैसे वेब का यूजेज बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे ही मुख्तलिफ मुख्तलफ़बानों के लोग अपनी लोकल लैंगवेज के अंदर इंफॉमेशन को स्टोर करते जा रहे हैं तो यूजली हम लोग अभी तक जो इंटरनेट को इस्तेमाल कर रहे हैं वो अंग्रेजी जबान में ही कर रहे हैं लेकिन कॉन्टेंट जो है वो अरेबिक का भी बढ़ता जा रहा है लेटिन अमेरिकन लैंग्वेज़ में स्पेनिश जो है वो दुनिया की दूसरी बड़ी जबान है बोली जाने वाली तो जो स्पेनिश में भी बहुत ज़्यादा कंटेंट है फ्रेंच में है इसी तरह अरेबिक में कंटेंट काफ़ी सारा प्रोड्यूस हो रहा है साथ साथ उर्दू की भी अगर हम बात करें तो उर्दू में भी अब हम काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं वो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में आ, इंटरनेट पे मौजूद हैं न्यूज़पेपर्स हैं आ, इवन कई सारी वेबसाइट्स भी हैं जो कि उर्दू ज़बान में मौजूद हैं जिन पर नावल्स और आ, बहुत सारी दूसरी चीज़ें वेब के ऊपर उर्दू ज़बान के अंदर लिखी हुई मौजूद हैं ये चीज़ जो है हमें क्रॉस लिंगुअल इन्फॉर्मेशन रिट्रीवल की तरफ सोचने पर मजबूर करती है कि हम क्यों ना कोई ऐसा इंफॉमेसन रिट्रीवल सिस्टम बनाने की तरफ जाएं जो कि जिसमें क्वेरी किसी भी जबान में की जाए लेकिन जो इन रिस्पॉन्स डॉक्यूमेंट्स हम प्रज़ेंट करें वो किसी दूसरे जबान के भी हैं तो उनको भी सम हाव प्रजेंट किया जा सके इसी में ट्रांसलेशन के भी एक एलिमेंट ऐड हो जाता है कि ऑबियसली आप ऐसा उस वक्त तक नहीं कर सकते जब आप जब तक आप कोई ट्रांसलेशन को इनकॉर्पोरेट ना कर लें आ, और इसी में फिर आप प्रॉब्लिस्टिक मेथड्स को भी इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं जो कि या मशीन लर्निंग के मेथड्स को इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं जो कि इस सारे काम में आपकी आ, 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 आप आपको फैसिलिटेट करें इसी कॉन्टेक्स्ट में इससे मिलता जुलता एक काम जो है वो डॉक्यूमेंट समराइजेशन का है कि हमारे पास एक बहुत बड़ा डॉक्यूमेंट है या फॉर इंस्टेंस नोवेल है तो उस नोवेल की हमने समरी करनी है या कोई एक 10 सफ़ों का रिसर्च आर्टिकल है 20 सफ़ों का रिसर्च आर्टिकल है उसकी समरी करनी है तो समराइज़ेशन ऑफ टेक्सट किस तरह से की जा सकती है ये भी एक आप कह सकते हैं कि आ, बाय प्रोडक्ट के तौर पे इंफॉर्मेशन रिट्रीवल टेक्निक्स के अंदर से ही जो टेक्निक्स हमने पढ़ी हैं उनको इस्तेमाल करते ही करते हुए ही हम इस चीज़ के ऊपर मज़ीद काम कर सकते हैं तो इसी में एक और मिलती जुलती चीज़ जिसके ऊपर काम किया जा सकता है वो है प्लेजरज़म डिटेक्शन जो लोग रिसर्च के ऊपर आजकल काम कर रहे हैं वो इस चीज़ को बड़े अच्छे तरीके से समझते होंगे के प्लेजरिज़म होता क्या है तो प्लेजरज़म एक ऐसी एक्टिविटी है जिसमें कि आप एक ऐसा काम कर रहे हैं जो कि ऑलरेडी हो चुका हुआ है और उसको आप अपने नाम से प्रेजेंट करके क्रेडिट खुद लेना चाह रहे हैं लेकिन एज अ मैटर फैक्ट वो ऑलरेडी किसी ने कर लिया हुआ है आप उसे साइट भी नहीं कर रहे हैं और ऑन टॉप ऑफ दैट आप उसे अपने काम के तौर पे प्रेजेंट करने की कोशिश कर रहे हैं तो साइट ना करना भी प्लेजरिज्म है ये एक लो लेवल का प्लेजरिज्म है और उस काम को ख़ुद अपना कहना ये एक सीरियस किस्म का प्लेजरिज्म है तो प्लेजरिज्म डिटेक्शन में क्या चीज़ होती है कि हम हमारे पास जो डॉक्यूमेंट्स हैं या यूजुअली रिसर्च आर्टिकल्स में ही ऐसी चीज़ें की जाती हैं उसमें हम जो आर्टिकल लिख रहे हैं उसका ह्लजरजम टेस्ट करते हैं जो कि बताता है कि किस कदर ये डॉक्यूमेंट किसी भी दूसरे डॉक्यूमेंट से सिमिलर है तो सिमिलरिटी इंडेक्स भी वो जनरेट करता है और साथ में ये भी बताता है कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं जिनसे कि हमारा जो करेंटली कंसिडर्ड डॉक्यूमेंट है वो सिमिलर है तो इस कॉन्टेक्स uh, में जिस तरीके से ये सिस्टम्स काम करते हैं वो कुछ इस तरह से होता है कि ऑबियसली uh, एक लार्ज स्केल ऑफ डाटा अवेलेबल है तो बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल हैं उन डॉक्यूमेंट्स में से किस डॉक्यूमेंट को, को को हम कंसिडर करें और किस को ना करें ये एक सीरियस uh, कंसिडरेशन बन जाती है स्केलेबिलिटी के एंड से ओबियसली मिलियंस या बिलियंस ऑफ डॉक्यूमेंट्स तमाम के तमाम डॉक्यूमेंट्स के साथ तो हम कंपेरिजन नहीं कर सकते हैं तो होता क्या है कि एक लार्ज सेट ऑफ़ डॉक्यूमेंट्स के अंदर से चंद कैंडिडेट डॉक्यूमेंट्स फ़ाइंड किए जाते हैं जिनसे के सिमिलैरिटी एक सर्टन थ्रेशोल्ड से ज़्यादा आ रही हो और फिर उन कैंडिडेट डॉक्यूमेंट्स के ऊपर रिग्रेस जो सिमिलरिटी मेयर करने की अप्रोचेज़ हैं वो अप्लाई की जाती हैं तो दो लेयर्स की सिमिलरिटी हम कंप्यूट करते हैं एक सरफेस लेवल की सिमिलरिटी के वो जिस कदर ज़्यादा है दो डॉक्यूमेंट्स के दरमियान उसको मेयर किया जाए और एक सर्टन थ्रेश से ज़्यादा सिमिलैरिटी अगर एग्जिस्ट कर रही है तो उन डॉक्यूमेंट्स को सम हाउ कैप्चर कर लिया जाता है और उनके साथ फिर डिटेल्ड एनालिसिस कर लिया जाता है और फिर इवेंचुअली देख लिया जाता है कि किस कदर एक जो नया डॉक्यूमेंट हम हमारे सामने आ रहा है वो किस कदर कॉन्टेंट एग्जिटिंग एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट से लिए हुए हैं तो ये एक मेथड होता है जिसके थ्रू हम प्लेजरिज्म डिटेक्ट कर सकते हैं और अगेन जैसा कि हम यूजल इंफॉर्मेशन रिट्रीवल सिस्टम में मल्टी की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे भी मल्टी uh, इसको बनाना या क्रॉस लिंगल बनाना एज अ मैटर ऑफ फैक्ट दैट मेक्स मोर सेंस कि क्रॉस लिंगल प्लेजरिज्म डिटेक्शन जो है ये भी एक बड़ा इम्पोर्टेंट एरिया है जिसके ऊपर के अभी uh, काम हो हो रहा है और बहुत सारा रूम है इसमें काम करने का इसकी मिसाल कुछ इस तरह से है कि से एक आ, किसी भी शख्स ने उर्दू में एक आर्टिकल लिखा है और उस आर्टिकल को आप किसी भी जगह अंग्रेज़ी ज़बान में लिख के पब्लिश कर देते हैं फ्रेंच में लिख के पब्लिश कर देते हैं और अपने नाम से पब्लिश कर देते हैं ये नहीं बताते कि ये आ, उस आर्टिकल का मैंने फ़्रेंच में तर्जमा किया है या इंग्लिश में तर्जमा किया है बल्कि अपने नाम से छापने की कोशिश करते हैं तो ये पॉसिबल है और अगर हमारे पास क्रॉस लेंगूल फ्लजरज्म डिटेक्शन टेक्निक्स होंगी तो उनको इस्तेमाल करते हुए हम क्या कर सकते हैं कि इस तरह के जो आ, एक्ट्स हैं जो कि ऑबियसली मुनासिब नहीं है उनको हम समहा आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये प्लेजरिज्म की एक्टिविटी आ, अकर हुई है और किसने की है और ओबियसली क्रॉस लिंगुअल प्लेजरिज्म डिटेक्शन जो है वो इसके अंदर इम्पोर्टेंट है इस कॉन्टेक्स्ट में हमने शिंगल्स का एक कॉन्सैप्ट पढ़ा था जिसमें कि हम शिंगल्स को आइडेंटिफाई करते थे सर्टन टू ग्राम्स थ्री ग्राम फोर ग्राम्स ऑफ डिफरेंट वर्ड्स ऑफ अ डॉक्यूमेंट को हम कंपेयर करते थे और उसकी बुनियाद पे हम डिटेक्ट uh, करते थे कि दो डॉक्यूमेंट्स किस कदर सिमिलर हैं आ, तो यही कॉन्सेप्ट जो शिंगल्स का हमने पढ़ा उसी को हम प्लेजरिज्म डिटेक्शन के अंदर भी एक्सटेंड करते हैं और इस्तेमाल करते हैं जो फाइनल पॉइंट ऑफ डिस्कशन मैं यहाँ पे लाना चाहता हूँ वो है लार्ज स्केल डाटा मैनेजमेंट का ओबियसली so डाटा जो वेब पे अवेलेबल है वो बढ़ता चला जा रहा है और उसका जो साइज़ है वो ग्रो करता जा रहा है इस सेंस में जो इंफॉमेसन हम ढूंढ रहे हैं उसकी क्वालिटी के ऊपर भी अफेक्ट आता है जैसा कि इससे रिलेटेड कुछ बातें मैंने पहले की भी और दूसरा जो पॉइंट है वो स्टोरेज और प्रोसेसिंग के हवाले से आता है कि इतने लार्ज स्केल की स्टोरेज भी हमें रिक्वायर्ड होती है इन्वर्टेड इंडेक्स की क्रिएशन के वक्त और इसी के साथ साथ जिस कदर लार्ज स्केल सिस्टम के ऊपर हम काम रहे हैं प्रोसेसिंग के एंड से भी हमें उसी कदर ज़्यादा काम करना पड़ता है डाटा को हैंडल करते हुए तो जो जहाँ तक क्वालिटी ऑफ रिज़ल्ट की बात है तो उसमें कुछ कंसिड्रेशन तो ऑलरेडी हमने डिस्कस कहीं इसी के साथ साथ एक छोटी सी और चीज़ यहाँ पे मैं हाईलाइट करना चाहूँगा एंड दैट इज़ डाइवर्सिफ़िकेशन ऑफ सर्च रिज़ल्ट तो हमने जो बात की उसमें हमने फोकस जो रखा इस कोर्स के अंदर वो दैट वाज़ लाइक के हम इनपुट क्वेरी क्वेरी की प्रोसेसिंग प्रोसेसिंग के बाद रिजल्ट्स रिजल्ट्स की रैंकिंग और जो टॉप रैंक रिजल्ट्स हैं उनकी प्रेजेंटेशन टू द यूज़र अब होता क्या है कि सिर्फ और सिर्फ uh, टॉप रैंक रिजल्ट्स को प्रेजेंट करना ही काफ़ी नहीं होता बल्कि बेहतर है कि हम एक ऐसी क्वेरीज जो 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 के बहुत सारे मुख्तलिफ़ मीनिंग्स रखती हैं उन मुख्तलिफ़ मीनिंग्स वाली क्वेरीज के कॉन्टेक्स्ट में हम मुख्तलिफ़ पर्सपेक्टिव्स में उसके रिजल्ट्स को प्रेजेंट करने की भी कोशिश करें इसके हवाले से क्लस्टरिंग में हमने थोड़ी क्लस्टरिंग एक तरीका है जिसमें कि हम डिफरेंट पहलू जो कि इनपुट क्वेरी के हो सकते हैं उनके हवाले से हम क्लस्टर्स बना के रिजल्ट को प्रजेंट कर सकते हैं दूसरी जो मैथड मैथड है वो वो डाइवर्सिफ़िकेशन का है और डाइवर्सिफ़िकेशन में हम क्या करते हैं कि जो हमारे पास रैंक रिज़ल्ट आते हैं उनके ऊपर इन एक और स्टेप ऐड कर दिया जाता है जिसको कि डाइवर्सिफिकेशन कहा जाता है अब वो जो टॉप रैंक रिजल्ट्स हैं उनके ऊपर हम डाइवर्सिफ़िकेशन टेक्निक्स अप्लाई करके और फिगर आउट करने की कोशिश कर लेते हैं कि कौन से रिज़ल्ट हैं वो किस कदर सिमिलर हैं और बहुत सारे सिमिलर रिज़ल्ट को प्रजेंट करना ऑब्वियसली कोई आपस में सिमिलर रिज़ल्ट को प्रेजेंट करना कोई बहुत अच्छी बात नहीं है क्योंकि यूज़र को कोई नई नही इन्फॉर्मेशन नहीं मिल रही वही रिज़ल्ट पहला वही उससे ही मिलता जुलता दूसरा उससे ही मिलता जुलता तीसरा रिज़ल्ट प्रजेंट करने से बेहतर है कि सिर्फ उनमें से किसी एक मोस्ट रेलिवेंट रिज़ल्ट को प्रजेंट कर दिया जाए और उसके बाद कोई ज़रा डिफरेंट तरह का रिजल्ट प्रेजेंट किया जाए जो ऑब्वियसली कोरी से तो रेलिवेंट हो लेकिन ऑलरेडी प्रेजेंटेड रिज़ल्ट से थोड़ा डिफरेंट हो और इस काम को करने के लिए डिफरेंट टेक्निक्स इस्तेमाल किए जाते हैं डिफरेंट एलग्रिदम्स इस्तेमाल किए जाते हैं जिसे सर्च रिज़ल्ट डाइवर्सिफ़िकेशन कहा जाता है दूसरा जो पॉइंट मैंने रेज़ किया डाटा मैनेजमेंट के हवाले से लार्ज स्केल डाटा मैनेजमेंट के हवाले से दैट वाज अबाउट द स्टोरेज ऑफ लार्ज स्केल सिस्टम तो इसमें बिग डाटा मैनेजमेंट के जो फील्ड है वो बहुत स्ट्रॉगली uh, इन्वॉल्व की जा सकती है और इसमें uh, हमारे पास जो डाटा है उसको एफिशेंटली किस तरीके से स्टोर किया जा सकता है क्रॉस मल्टीपल मशीनस किस तरह से स्टोर किया जा सकता है डेटा के एक्सेस टाइम को किस तरह से मिनिमाइज़ किया जा सकता है डेटा uh, किस तरह से एक्सेस होना है इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए डेटा को किस तरह से उसकी प्लेसमेंट की जा सकती है uh, ताकि जब हमें चाहिए हो तो उस वक्त वो uh, कम से कम लेटेंसी के साथ कम से कम नेटवर्क uh, की यूटिलाइजेशन के साथ उस जगह पे हमें मिल जाए जहाँ के हमें उस डाटा की एज़ अ मैटर ऑफ फैक्ट ज़रूरत है और इसी कॉन्टेक्स्ट में मैं रेकमेंड करूँगा आपको कि आप को वेब पे कुछ ऐसी छोटी छोटी वीडियोस मिलेंगी जो कि लार्ज स्केल डाटा सेंटर्स के ऊपर है तो वो डाटा सेंटर्स किस तरीके से बिल्ड किए जाते हैं और उनमें कौन सी कंसिड्रेशन्स मद्देनज़र रखी जाती हैं मिसाल के तौर पर गूगल का डाटा सेंटर है याहू का डाटा सेंटर है जो बहुत लार्ज स्केल स्टोरेज सिस्टम्स हैं आई आर सिस्टम्स उनके अपने डाटा सेंटर्स हैं वो डाटा सेंटर्स किस तरीके से बनाए जाते हैं उनके बनाने में क्या कंसिड्रेशन हैं और उनके इस्तेमाल करने में क्या कंसिडरेशन्स हैं ये आपको उन चंद एक मूवीज से सरफेस लेवल का ज़रूर आइडिया हो जाएगा कि इनके अंदर चीज़ें होती किस तरह से मिसाल के तौर पर आजकल के कॉन्टेक्स्ट में जो आ, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात है वो कुछ इस तरह से है कि डाटा सेंटर के एनर्जी की यूटिलाइजेशन को किस तरह से मिनिमाइज किया जा सकता है यूजुअली डाटा सेंटर्स के अंदर वाटर को इस्तेमाल किया जाता है कि वो आ, उसको ठंडा रखें बहुत सारी मशीनस काम कर रही होती हैं तो हीट बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस होती है तो उसको आ, कू, कूलेंट के तौर पे आ, डिफरेंट मटेरियल्स को इस्तेमाल किया जाता है और वो मटेरियल जो है वो भी एनर्जी कंज्यूम करता है आपका जो प्रोसेसिंग है वो बहुत ज़्यादा एनर्जी कंज्यूम करती है और आपके जो सिस्टम्स हमने लॉन्च किए हैं एज अ मेटरफेक्ट स्टोरेज सिस्टम हमने बनाया हुआ है आ, 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 उसके अंदर ऑब्वियसली ना सिर्फ स्टोरेज हो रही होती है बल्कि बहुत सारे प्रोसेसर्स भी मिलके काम कर का रहे होते हैं तो प्रोसेसर्स की जो यूटिलाइजेशन है ऑप्टिमल यूटिलाइजेशन उसको किस तरह से इनकॉर्पोरेट किया जा सकता है मसलन इस हवाले से मैंने एक टॉक अटेंड की तो उसमें उन्होंने बताया स्पीकर ने कि यूजली हमारे जो सिस्टम्स हैं वो आ, ही जा रहे होते हैं और उसको उन्होंने कुछ इस तरह से एक्सप्लेन किया कि Uh, अगर एक हाई uh, या सोफिटिकेट प्रोसेसर है तो वो किस तरह से है और एक जो लेस सोफिस्टिकेटेड प्रोसेसर है वो किस तरह से काम करता है तो उन्होंने कुछ इस तरह बताया कि जो लेस सोफिस्टिकेटेड है वो अगर इस तरह से काम कराए आइडल 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 के वो ये अपना आइडल टाइम उस, उसका उन्होंने मेंशन करने की कोशिश की तो जो ज़्यादा सोफिस्टिकेट है वो इस तरह से काम करा है आइडल 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 यानी कि आइडल टाइम बहुत ज़्यादा है हमारे प्रोसेसर्स का तो उस आइडल टाइम को मिनिमाइज़ करना भी एक काम है क्योंकि कॉन्टीसली वो एनर्जी तो यूटिलाइज़ करते ही जा रहे हैं तो उसका जो आइडल टाइम है उसको जिस कदर मिनिमाइज़ करेंगे उसी कदर हम उससे यूज़फुल काम ले रहे होंगे कुछ ना कुछ आइडल टाइम नहीं होगा तो वो कोई ना कोई यूज़फुल एक्टिविटी कर रहा होगा और जिस कदर यूज़फुल एक्टिविटी करेगा उसी कदर हमारे लिए बेनिफिशियल भी होगा तो स्केलेबिलिटी के एंड से ना सिर्फ स्टोरेज बल्कि डेटा की प्रोसेसिंग भी बहुत इम्पॉर्टेंट है एंड दैट्स ऑल अबाउट इंफॉर्मेशन रिट्रीवल कोर्स और uh, इसके ओवरऑल इंग्रेडिएंट्स भी हमने डिस्कस किए जो हमने पढ़े और uh, उसी के बराबर बराबर मेरे ख़्याल में हमने कुछ रिसर्च डायरेक्शंस डिफरेंट डायमेंशंस में डिस्कस किए हैं uh, इस पर्टिकुलर लेक्चर के अंदर क्विक ब्रीफ ओवरव्यू Uh, मैंने देने की कोशिश की है जिन डायमेंशंस में आई सिस्टम के ऊपर रिसर्च हो रही है होप यू एन्जॉय दिस कोर्स दैट्स ऑल अबाउट फ्रॉम फ्रॉम माई साइड थैंक यू वेरी मच